नहीं, देखिए ये कोई रोहित शर्मा की गलती नहीं है, WTC हारे हैं हम लोग, सबको दुख है यहाँ पे। हाँ लेकिन हारने की वजह क्या थी, वो रोहित शर्मा नहीं थी, हारने की वजह थी पहले तो आपकी प्लेइंग 11 गलत खेली है। तो कहीं ना कहीं जो स्पोर्ट्स स्टाफ भी होता है, जो कोचेस होते हैं, आपको उनसे भी पूछना चाहिए कि सारे लोग कह रहे थे, आपको पता होना चाहिए कि विकेट बैटिंग विकेट है। पहला एक सेशन इंग्लैंड में कहीं भी सीम होता है, विकेट बेचकर घास भी है, तो रविचंद्र अश्विन इतना अच्छा गेंद, वर्ल्ड का नंबर वन है कि वहां वो खेल सकता है, विकेटें ले सकता है, और उनके पास 5-5 लेफ्ट हैंडर थे, और खासकर जिसने रन बनाए वो भी लेफ्ट हैंडर है, ट्रेविस हेड ने 165 बनाया। तो कहां रविचंद्र अश्विन होता तो शायद आज ये स्टोरी ना होती, या WTC हमारे यहाँ पास होता, हम जीते WTC को। तो इसमें हाँ, लेकिन कहीं कहीं ये कह सकता है कि कैप्टनसी में कहीं ना कहीं थोड़ा सा वो ढीलापन दिख रहा था, कि जो हमें आदत विराट कोहली ने डाल रखी हुई है अग्रेसिव अग्रेशन की कैप्टनसी करनी, कि जब टीम नीचे लगी हो तो कैप्टन भाग भाग के उठाता टीम को, लेकिन रोहित शर्मा टोटली डिफरेंट है, अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, आउट हो गए सारे। प्रॉब्लम कहाँ आ रही है कि जब ये जितने हमारे सीनियर प्लेयर्स हैं, सीनियर बल्लेबाज हैं, जब एक बड़ा मैच आता है, बड़ी जैसे वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल 2019 की बात हम कर सकते हैं, या तो फिर हम एशिया कप की बात कर सकते हैं, जहां बड़े मैचेस आते हैं वहां हम क्लिक नहीं करते, हमारे बड़े प्लेयर एक साथ क्लिक नहीं करते हैं। वो मजा हम लोग लीग सारा देखेंगे तो बड़ा अच्छा खेल रहे होंगे, जहां नॉकआउट्स या जहां आता है कि यार अब ये जीतना है, ट्रॉफी का टाइम आ गया उठाने के लिए, चाहे वो चैंपियंस ट्रॉफी हो या वर्ल्ड कप हो या WTC, हम वहां पे चूक जाते हैं। तो वहां पे हमें चाहिए कि जो बल्लेबाज हैं, अगर हम जब घर पे टेस्ट मैचेस खासकर अगर हम खेलते हैं तो वहां पे हमें अच्छी बैटिंग विकेटें बनानी चाहिए। क्यों? क्योंकि हम लोग जिन विकेटों पे घर पे खेलते हैं वो 2-2, 3-3 दिन में टेस्ट मैच खत्म हो जाते हैं। हमारे बल्लेबाजों को टेस्ट मैचेस में लंबे बल्लेबाजी किए बहुत समय हो चुका, तो उसकी ये भी एक बहुत बड़ी वजह है कि टेस्ट मैच में उतना लंबा अपने आप को सेशन टू सेशन खेलना वो मुश्किल आ रही है।